लेट हो गया दोस्तों मैं, और अभी दूसरे फ्लोर पे जाना है ऊपर वाले पे, वहाँ से मिलेगी मेरे को मेट्रो कश्मीरी गेट की, ठीक है? तो चलो चलते हैं जल्दी से। सबसे लास्ट शायद मैं ही हूँ इस मेट्रो को पकड़ने के लिए। 11 बजने वाली पूरी। ग्यारह बजे आती लास्ट मेट्रो, ठीक है? तो सबसे लास्ट मैं ही हूँ यहाँ पे, कोई नहीं, पूरा खाली हो रखा यार, लेट हो गया आज। आ गई हमारी मेट्रो भाई, बड़ी मुश्किल से यार, काफ़ी लेट हो गया वैसे भी, ठीक है? ये देखो, आ जा 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 जल्दी से आ जल्दी से, बहुत लेट हो गई यार। तो चलो चलते हैं, बैठते हैं अपनी मेट्रो पे और जल्दी से कश्मीरी गेट चलेंगे, ठीक है? अब वीडियो बनाना वैसे अलाउड तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। दो तीन घंटे इंतज़ार करने के बाद यार गाइस, बड़ी मुश्किल से एक बस में सीट मिली। वो भी कैसे मिली, खिड़की के रास्ते से घुसा मैं अंदर, क्योंकि कंडक्टर साहब तो दरवाजे खोलने को तैयार ही नहीं थे, और सारे जितने भी वहाँ पे पैसेंजर थे ना, सारे भाई खिड़कियों से घुस रहे अंदर, और यहाँ तक कि एक लेडीज़ को चोट भी लग गई थी उसके चेहरे पे, क्योंकि दरवाजे पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग रखी थी यार, बहुत ज़्यादा पैसेंजर थे जो हरिद्वार आ रहे थे, हरिद्वार ऋषिकेश की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अगर आप बस अड्डा 11 बजे तक नहीं पहुँचे तो आपको ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए ऐसे ही लड़ना पड़ेगा दोस्त, और सीट ज़बरदस्ती लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है भाई। बहुत मुश्किल से मिला भाई, तब जाके थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि दो तीन घंटे हो चुके, लगभग 2 बजे के करीबन हम वहाँ से निकले ऋषिकेश से। दो तीन घंटे सफ़र करने के बाद यार भाई लोगों, 4:30 बजे के करीबन हम पहुंच चुके थे खतौली। खतौली में सारे बसें रुकती हैं क्योंकि यहाँ पे सभी लोग खाना खाते हैं, ठीक है? तो मैंने तो खाना खा के आ रखा था रूम से वैसे, तो मैंने अपने लिए एक लेस लिया, ठीक है? और वैसे यहाँ पे खाना बहुत महंगा मिलता है, तो आप कभी भी अगर लेते हो ऑर्डर तो एक बार पहले चेक कर लेना उसका प्राइस, ठीक है? मॉर्निंग होते ही हम पहुँच जाते हैं पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, ठीक है दोस्तों? और ये लगभग हरिद्वार से 13-14 किलोमीटर पीछे है, ठीक है? सभी को ये तो पता चल गया होगा कि पतंजलि योगपीठ कहाँ है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है? हरिद्वार में है, ठीक है? लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई 2006 में, बहुत बारी पूछा जाता है, ठीक है? तो पूरा जितना एरिया आपको दिख रहा है ये पतंजलि योगपीठ का है, ठीक है? इसी के जस्ट बाद हम इंटर करते हैं हरि के द्वार, माँ गंगा के द्वार, मायापुरी क्षेत्र हरिद्वार में इंटर करते हैं और माँ गंगा जी के दर्शन होते हैं, ठीक है? तो दिल से बोलो यार, गंगा मैया की जय। बहुत सारे श्रद्धालु अपनी अटूट आस्थाओं को लेकर इस पावन पवित्र स्थान पर आते हैं माँ गंगा में स्नान करने के लिए, और अभी तो यात्रा सीजन भी चल रहा है, तो यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी गाइस, कदम रखने तक की भी जगह नहीं मिलेगी आपको, सच में बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ी देर बाद मैं पहुँच चुका था हरिद्वार बस स्टेशन पर, ठीक है? और यहाँ से मुझे पकड़नी है भाई दूसरी बस ऋषिकेश की। तो भाई लोगों, अभी मैं पहुंच चुका हरिद्वार, ठीक है, माँ गंगा के द्वार, हरि के द्वार, मायापुरी क्षेत्र में, और अभी मैं आया हूँ यहाँ रेलवे पे, ठीक है? तो मेरा जो बस जाएगी वो जाएगी 11 बजे के करीबन, और उस अभी तो अपने पास बहुत टाइम है, और यहाँ से जाएगा मेरे साथ हमारे गांव के चाचा लगते हैं, ठीक है? तो वो भी जाएंगे साथ में, ठीक है? क्योंकि शादी है तो तब निकलेंगे, ठीक है? तो अभी मैं आया हूँ रेलवे में, थोड़ा इधर घूमते हैं। ये हरिद्वार का रेलवे स्टेशन पूरा, ठीक है? वो देखो वहाँ पे बैठे हैं हमारे पूरे राज्य कहाँ पर, ये रही। तो सोचे यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? तो भाई अभी टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं, और अभी पहुंच चुका हूं मैं अपने
ऋषिकेश में, ठीक है। तो अभी हूँ बस अड्डे पे, तो काफ़ी टाइम लग गया है यार, टोटल मिला के 12 घंटे लग गए वेट करते करते। घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी अभी, ठीक है। यहाँ से जाएंगे दोस्त की गाड़ी में, ठीक है। और अपने साथ आ चुके हैं गांव वाले चाचा जिनकी बात कर रहा था मैं, ठीक है, अपने क्लासमेट है तो हरिद्वार में काम करते, तो उधर से साथ में आए, ठीक है। मौका नहीं मिला वीडियो बनाने का क्योंकि धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं पहले और उसके बाद सीधा घर। तो अभी मैं नटराज चौक में हूँ, ठीक है। और अभी आपको बताता हूँ सामने से हमारे उत्तराखंड के, सामने भी जो स्टैचू आप देख रहे हैं, ये हमारे उत्तराखंड के गांधी श्री इंद्रमणि बडोनी जी का स्टैचू है, ठीक है, जिसे नटराज चौक के नाम से जाना जाता है। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, अभी हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर, यानी कि उत्तराखंड में सबसे अधिक बारिश जहां होती है, ठीक है। अच्छा मास्क निकाल देता हूं यार, ये तो यहां पर जरूरत ही नहीं है मास्क की, ठीक है। और ये वो एरिया है जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तराखंड में, ठीक है। नरेंद्र नगर का पूरा एरिया है ऊपर, और अभी हम पहुँच चुके हैं आगरखाल और उसके बाद अपना खाड़ी डेरी, ठीक है। तो यहाँ पर पेट्रोल भर रहे हैं अभी, सॉरी डीजल भर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है यार इतनी गर्मी में, मतलब क्या बोले। ये फोटो खींचने के लिए बोल रहे हैं भाई, फोटो खींचने का टाइम है क्या ये? ये देखो भाई इतना अच्छा सीन, हाय हाय। ये देखो चारों तरफ, अभी मौसम भी बदला हुआ है, पूरा बारिश का मौसम बना हुआ है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है बहुत खतरनाक वाली यार, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, ओके ठीक है, मिलते हैं फिर, आगे का रूट कैसे है क्या है देखते हैं फिर। तो जैसे मैंने बताया था, ये सबसे ज्यादा बारिश यहाँ पर होती, तो बारिश लग चुकी है बहुत मोटी यार, आवाज सुन रहे हो, बारिश में मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही होगी, वैसे इतनी मोटी बारिश लग रही है, देखो बहुत खतरनाक बारिश लग रही है। और अभी यहाँ पे खाना खाएंगे और उसके बाद अपने रूट पे निकल जाएंगे, ठीक है। अभी आगे मौसम बदलता जाएगा बहुत ज्यादा, ओके। तो यार भाई लोगों, फाइनली 14 से 16 घंटे का पूरा सफ़र होने के बाद मैं अभी पहुंच चुका हूं घर, और अभी टाइम हो रहा है 4:30, यानी कि 10:30 बजे मैं वहां से निकला था और 4:30 बजे घर पहुंच रहा हूं। अगर कंटिन्यू आता तो सुबह 10-11 बजे के करीबन पहुंच जाना था, लेकिन रुक रुक के आना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अभी यात्रा सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 4:30 बजे मैं घर पहुँचा, यानी कि 17 से 18 घंटे लग गए पूरे ट्रैवल करते करते, ठीक है। तो मम्मी जी वहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मिलवाएंगे आपको। तो ये है मेरी मम्मी जी, अभी अभी उठे हैं, सोए हुए थे, ठीक है तो बाल ऐसे फैल रखे पूरे हैं, ये है YouTube वाले हैं ये तो ठीक है फिर दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है आपको तो प्लीज़ यार लाइक करना, और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिली रास्ते में ट्रैवल करते टाइम, पतंजलि योग भी देखा है और इंद्रमणि बडोनी जी को आपने देखा, उत्तराखंड के गांधी हैं जो, है ना, और भी चीज़ें आपने देखी है, हरिद्वार आपको दिखाया है, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर बनता है यार, ठीक है, लाइक करो और सब्सक्राइब कर देना जो पहली बारी वीडियोस को देख रहा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय महादेव।